गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मेरा सुबह का जो चाय नाश्ता था वो कंप्लीट कर चुका है मैंने, और बहुत सारे कुछ काम थे उसमें बिज़ी हो गई थी तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का मौका नहीं मिला, तो मैं डायरेक्ट लंच ही बना रही हूँ। बट अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है तो मैं इसे समझ रही कि ब्रंच टाइम में बना रही हूँ। मैंने सोचा कि नूडल्स और राइस को मिक्स करके बनाते हैं, देखते हैं कि कैसा टर्न आउट होता है। मैं भी पहली बार बना रही हूँ तो बस मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसकी रेसिपी तो आप लोगों को नहीं बताई है, बट मैंने जैसे बनाया है देख के बहुत लोग अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने क्या क्या डाला है और कैसे बनाया है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं अगली बार बनाऊँ, अगर अच्छा बने तो, जब मैं अगली बार बनाऊँ तो आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शूट करके दिखाऊंगी। और बाय द वे ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बहुत ही कम चीज़ों से। घर में जो चीज़ें होती हैं उसी से बन जाती है, थोड़ा अलग हो जाता है टेस्ट खाने के लिए और कहने को हाई फाई भी दिखता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और ट्राई कीजिए। मेरा जो नूडल्स कम राइस दोनों जो मिक्स है वो बन चुका है, बस इसमें सॉसेज डालने थे। सॉसेज में मैंने हमेशा ज़्यादा पूरी थक गई हूँ और ये कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है इतनी मेहनत के बाद। देखने में मस्त लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मस्त बना था, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कपड़ा जस्ट आयरन किया है, बहुत सारा कपड़ा हो चुका था, एक्चुअली आयरन ख़राब हो चुका था और बिना कपड़ा आयरन करके पहनने की आदत छूटती गई है जब से आदमी ऑफिस ज्वाइन किया है तब से, तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था। एक डेढ़ घंटे हो चुके हैं मुझे कपड़ा आयरन करते हुए। सारे कपड़े मैंने तय लगा दिए हैं, बस कुछ दो चार कपड़े हैं जिनको उनके जगह पर रखना है, उसके बाद रखती हूँ, फिर मैं ब्रंच करती हूँ। ब्रंच लंच जो भी आप बोल लो, क्योंकि अभी 2 बजने वाले हैं तो मैं लंच करूँगी, थोड़ा फटाफट से रेडी होंगी। कहाँ जाना है रेडी होके ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने सुबह से चाय पिया था, बस वही पी के हूँ और कुछ नहीं खाया अभी मैंने, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ उसके बाद आपको बात करती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा आज का आउटफिट। ये जो सैंडल मैंने पहना है पता नहीं ट्राई की, ये सैंडल मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले से खरीद के रखा था, मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं, 2 साल मेरे पास ऑलरेडी सैंडल से, तो मैं इसको निकाल नहीं थी। बट पता नहीं क्यों आज मन किया कि चलो ट्राई करते हैं, पूजा भी आने वाली है तो अभी से यूज़ रहेगा तो मैं घूम पाऊँगी। और ये हैंकी तो आजकल मतलब साथ ही हो गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी फ्री हुई हूँ, रेडी हुई हूँ, जा रही हूँ मैं कहाँ, मैं जा रही हूँ मूवी देखने, शाहरुख खान की मूवी जवान, जो कि बहुत हाउसफुल चल रहा है और बहुत चर्चा में है, कैसे करके टिकट मिल गया है और आज का शो है, तो मैं सोचा कि देखूँ भाई कैसा क्या है मूवी में कि लोग मार कंटिन्यू देखे जा रहे हैं। हाउसफुल चल रहा है यार, जब से रिलीज़ हुआ है हाउसफुल। 2 दिन पहले भी पूछने गए थे तो हाउसफुल ही था, मतलब 2 दिन पहले जाके टिकट लेना पड़ रहा है, इतना हाउसफुल चल रहा है। तो मैंने सोचा कि देखना बनता है, देखें कि ऐसा क्या खास है मूवी में, रिव्यू आपको देखने के बाद मिलेगा। तो ज़्यादा बकबक नहीं करती क्योंकि लग रहा है बारिश भी आने वाली है और गर्मी तो ज़बरदस्त है। वैसे मैंने ये टॉप उस दिन जो शॉपिंग करने गई थी तो मैंने ये टॉप लिया था, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से मैंने ऐसा कलर पहना नहीं है पहले कभी, तो शायद इसकी वजह से भी, बट अच्छा लग रहा है मुझे। गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही है, बट अच्छा लग रहा है। तो बस मैं चलती हूँ और मिलती हूँ डायरेक्ट आपको वहाँ पे। दिस क्लाउड, अभी 20 मिनट टाइम है अभी मूवी स्टार्ट होने में, अभी से भीड़ होना शुरू हो गया है। क्या कर सकते हैं, अभी आधे घंटे टाइम है तो थोड़ा कुछ खा लें, मैगडी में सोचा कि कुछ खा लेते हैं। मूवी खत्म हो चुकी है और शाहरुख की मूवी यार पता नहीं कितनी
बोले कि सालों बाद में इतनी अच्छी मूवी देख रही हूँ जस्ट किल इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए तो हाउसफुल है, क्या मतलब कैरेक्टर क्या है शाहरुख खान, मतलब माइंड ब्लोइंग, मज़ा ही आ गया। मतलब ऐसा एक सीन नहीं है कि आप बोर हो गए। मूवी का मतलब यही होता है कि आपको इंटरेस्ट बना रहे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। और इस मूवी ने पूरी तरीके से बांध के रखा है अपनी ऑडियंस को। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, पूरा पैसा वसूल मूवी है। मुझे मूवी बहुत अच्छा लगा, ये मेरा रिव्यू है। बाकी अपनी अपनी ओपिनियन, तो अभी यहाँ से फिलहाल निकलते हैं, मूवी देखिए। ज़्यादा ट्रैफिक से फुर्सत मिलने के बाद हम लोग ये वाला काम, तो बर्तन के दुकान पे मुझे छिलनी लेना था वहाँ से, क्योंकि गलती से मैंने छिलनी क्या किया था कि कचरे के डब्बे में डाल के फेंक दिया था आलू के छिलके के साथ। मैं भी पागल हो जाती हूँ कभी कभी, तो वो फेंका गया था, तो मुझे नई छिलनी लेनी थी। और मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर देख रही हूँ, मुझे एक छोटा प्रेशर कुकर चाहिए बट इंडक्शन फ्रेंडली कुकर चाहिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में आपको एक जगह पे बहुत सारे बिस्किट की दुकान मिलेगी, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ बिस्किट्स मिलेगी। और मुझे इस यहाँ का टोस्ट बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वहाँ से बिस्किट पैक करवाया और साथ में कुछ सेवैयाँ भी पैक करवाई। वैसे ही नॉर्मल दूध में डाल देने के बाद आप खा सकते हो, उसको भूनने उनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वाली सेवैयाँ। और अभी तीज आ रही है तो उसकी छोटी मोटी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, तो मुझे कुछ पूजा के लिए चीज़ें लेनी थी, जैसे कि दिया हो गया, लोटा हो गया, थाली हो गया, मतलब मेरे पास थे बट अब वो बहुत यूज़ कर चुके होने के बाद उतना घिस गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई धीरे धीरे ही स्टार्टिंग करते हैं पूजा का सामान लेने का। मतलब लास्ट टाइम में कुछ छूटता है, कुछ पकड़ता है आदमी, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी अभी से थोड़ी बहुत पूजा की शॉपिंग। और उसके बाद मुझे लेना था अपने लिए एक पेटीकोट, तो वो मैं देखने के लिए दुकान पे गई थी पर वहाँ मुझे नहीं मिला पेटीकोट, तो मैं वहाँ बस सूटी करके निकल ली। और ये जो दुकान पे सजा होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ। रास्ते में हमें सब्ज़ी भी लेना था, तो हमने सब्ज़ी की दुकान पर रुक के थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी ले लिए घर के लिए, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। आ गई हूँ, राइस बन गया है और अभी यहाँ पे चिकन बन रहा है। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा बनाने में, खाना बन के रेडी होने वाला है थोड़ी देर में। और उसके बाद मैं करूँगी स्नान, तब तक इसको ढक देती हूँ। मैं कल ब्लॉग के एंडिंग नहीं दे पाई तो मैंने सोचा कि आज इसको अच्छे से एंड करते हैं। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से रेगुलर जैसे ब्लॉग डालती थी मैं डालूँ। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।